हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दोस्तों, आज जो है माशाल्लाह सुभानअल्लाह हम रमज़ान सेट के पर मौजूद है जियो के, और यहाँ पर जो है लाइव ट्रांसमिशन की जो है रिकॉर्डिंग होने वाली है। और माशाल्लाह आप जो है मेरे पीछे जो है सेट देख सकते हैं, क्योंकि मैं सेट हाईलाइट नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अभी आज रिकॉर्डिंग्स है। तो माशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान शुरू होने वाला है, माशाल्लाह बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। तो भाई कोशिश करिएगा बच्चों से, जो लोग रोज़े नहीं रखते, जो रोज़ा खोर लोग हैं, उनको जो है सबको जो है रोज़े रखवाइएगा, क्योंकि देखें साल के अंदर एक ही महीना आता है। अब उसके अंदर भी अगर रोज़े ना रखें तो फिर क्या ही बात होती है, क्योंकि ये जुम्मे जुम्मे वाले भी होते हैं और कुछ अलविदा वाले भी होते हैं। तो प्लीज़ मेरी तरफ़ से काफ़ी गुजारिश है कि भाई आप लोग जो है पूरे रोज़े रखें, माशाल्लाह जो है हिम्मत आ जाती है, कोई ऐसा सीन नहीं है, सब हो जाता, सब मालिक बेहतर करने वाले हैं। कभी भी जो है इस चक्करों के अंदर जो है खाना खाना है या भूख लग रही है या रोज़ा लग रहा है, एक दो दिन लगता है लेकिन सेट हो जाता है। ये तो गाइस रमज़ान आता है और कुछ लोगों की यादें वाबस्ता हो जाती हैं, जैसे जुनेद जमशेद साहब थे, इसके अलावा जो है जो कवालतन का साबरी कवाल साहब थे, और हमारे मोस्ट लेजेंड डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। क्योंकि रमज़ान आता है, यादें काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। तो यह है कि जो है रमज़ान तो खैर माशाल्लाह बाबरकत वाला महीना वैसे ही माशाल्लाह, लेकिन जब इन लोगों की ट्रांसमिशन्स होती हैं, काफ़ी सारी बातें हो रही होती हैं, काफ़ी दीन और दुनिया की काफ़ी बातें हो रही होती हैं। और यह है कि अब माशाल्लाह से जो है इसके अलावा काफ़ी सारे जो है ट्रांसमिशन माशाल्लाह से हो रही हैं, लेकिन उस ट्रांसमिशन की सॉरी बात ही कुछ और थी। तो बस उनकी तरह कोई ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, उनकी तरह आलिम दीन कोई, बस एक डॉक्टर आमिर लियाकत का मैं एक फ़ैन हूँ, और बाकी मैं एक दिल से फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी ट्रांसमिशन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि रमज़ान के अंदर और रमज़ान है और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की ट्रांसमिशन आए तो काफ़ी ज़बरदस्त मामला होता था, क्योंकि दस्तरखान लगा हुआ डॉक्टर साहब की जो है ट्रांसमिशन माशाल्लाह चल रही है, और हर बातों के अंदर हर चीज़ के अंदर जो है गाइडनेस मिल रही होती है, काफ़ी सारे लोगों को कुछ चीज़ें नहीं भी पता होती। तो उस टाइम पे जो ट्रांसमिशन चल रही होती हैं, ये जैसे हमारी ट्रांसमिशन चल रही होती है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी बातें जो है आपको जो है हर चीज़ गाइडनेस मिलती रहती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लोगों को नहीं पता होता, कोई यंग नई एक जनरेशन वगैरह होती है, और बाकी जो शादीशुदा माशाल्लाह जो लोग जो है उन लोगों को भी पता नहीं होता, क्योंकि छोटेपन में शादी हो जाती है, फिर बड़े होकर पता चलता है कि जो है कुछ आलिमी दिन की कुछ बातें होती हैं कि जो है रमज़ान रोज़े वगैरह के बारे के अंदर या चीज़ के बारे के अंदर जो है काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल रही होती है। ये जो है अल्लाह पाक हम सबको जो है पूरे रोज़ा जो रखने की तौफीक अता फरमाए, और बस हिम्मत हौसला, क्योंकि जो है मेरे ख्याल से शायद गर्मियाँ तो नहीं होंगी, सर्दियाँ होंगी, और अच्छा मूड है, शायद जो है बारिश भी हो, ये सब कुछ हो, क्योंकि कुछ लोग जो है रोज़े वगैरह नहीं रखते हैं तो उनके लिए जो है काफ़ी आसानी हो जाती है। बहरहाल यार साल के अंदर एक दफ़ा जो है रमज़ान का महीना आता है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तकरीबन एक दो तीन रोज़ों के बाद जो है वैसे ही आदत पड़ जाती है, लेकिन उसको छोड़े ना, बीच के अंदर अगर छोड़ देते ना तो समझ लें फिर तो जो है अलविदा के जुम्मे का रख लेते हैं या तो जुम्मे के जुम्मे रख लेते हैं। लेकिन प्लीज़ कोशिश करिएगा, ज़रा सी हिम्मत इंसान कर लेता तो, लेकिन ये है कि आप रोज़े के बाद जब रोज़ा खुलता है तो किस तरीके से जो है बंदा बिल्कुल एक सुकून में आ जाता है। हाँ होता है थोड़ा बहुत जो है रोज़ा वगैरह लग रहा होता है पहले दिन, फर्स्ट टाइम तो कुछ ऐसा ही होता है। तो ये है कि जो है माशाल्लाह से बच्चों की रोज़ा खुशाई वगैरह भी होगी, क्योंकि इस साल जो है माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लाइन अप हुए हैं जिनकी रोज़ा खुशाई करनी है और जो है होनी भी है। तो लेट्स डू इट, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला हर आने वाली वीडियो के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन हो या इसके अलावा दूसरी भी जो है कोई हमारी कोई एक्टिविटी हो, तो इंशाल्लाह ताला सारी जो है आपको वफ्तन वफ्तन दिखाते रहेंगे। तो आई विल, थैंक यू।